children. So here we start with the practice set 3.4. Before starting this, okay, I am going to explain you all what do you mean by inscribed angle. Okay, three theorem hai, inscribed angle theorem, theorem of cyclic quadrilateral and converse of cyclic quadrilateral theorem. Okay, inscribed angle theorem. Okay, ये कैसा रहता है? एक circle रहता है. Okay, in this there is one कोई भी नाम पे बना हुआ है बी ए बीच में एक्स नाम. वी हैव टू प्रूव इन दिस द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. मतलब मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, ये एंगल है वो क्या होता है? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ये जो आर्क है ना बी एक्स सी, ये होता है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज थ्योरम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. थ्योरम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट. इन दिस ना वन सर्कल इज देयर, देयर इज वन कोऑर्डिनेटर इन साइड द सर्कल, वन कोऑर्डिनेटर बनाते हैं. ओके, और क्या होता है? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल आर सप्लीमेंटेड. अपोजिट एंगल्स मतलब ए के अपोजिट, समझो इसको दे दिया हमने ए, ए बी डी और ये सी. ओके, ए के अपोजिट क्या है? ए के अपोजिट है सी. तो इसमें क्या होता है? अपोजिट एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटरल एंड सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल डी ए बी, बीच में बी आया, प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल 180 डिग्री. बी और डी की जोड़ी बनेगी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल 180 डिग्री. ओके, ये होता है. अब होता है कन्वर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम. इसमें क्या होता है ना, एक ट्राइंगल होता है, सॉरी एक ट्राइंगल बोल रही, एक सर्कल होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर होता है उसको थोड़ा सा बाहर गया हुआ होता है, ये हिस्सा समझो एक हिस्सा बाहर. इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर इज सप्लीमेंट्री द कोऑर्डिनेटरल इज साइक्लिक. अगर आप देखना है, अगर इसके अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या होता है? कोऑर्डिनेटरल साइक्लिक होता है. ओके, हम लोग को ये वाले चैप्टर में 3.4 के एक्सरसाइज उसमें यही चीज़ें करनी है. लेट इज स्टार्ट विद द 3.4 एक्सरसाइज. 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज In figure, in circle with center O, length of chord is equal to the radius of the circle. Find the measure of each of the following. Okay, क्या बोला है? वन सर्कल इज है, ए ओ बी सी. ओके, फर्स्ट जो जो गिवन है वी हैव टू राइट दिस दैट गिवन इज देयर
लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. व्हाट्स द रेडियस? रेडियस ऑफ सर्कल. फाइंड क्या करना है हम लोग को? फर्स्ट एंगल ए ओ बी, सेकेंड एंगल ए सी बी, थर्ड आर्क ए बी एंड लास्ट वन फोर्थ आर्क ए सी बी. दिस थ्री आर फाइंडिंग आउट सल्यूशन. वे स्टार्ट विद द सल्यूशन. अब ये जो ए ओ और ए बी है ये क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी. ये क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ओके, नाउ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस. हम लोग को गिवेन है कि कॉर्ड ए बी क्या है? इक्वल टू रेडियस है. मतलब कॉर्ड ए बी इक्वल है इसके भी, जो कि इक्वल है इसके. तो ये क्या हो गया हम लोग को? गिवन में आ गया. मतलब क्या हो गया इसके? एंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल. सब चीज़ें एक साथ हो गई ना, तो इक्विलेटरल आ गया. इक्विलेटरल है मतलब क्या है? एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है. क्योंकि क्या होता है 60 + 60 + 60 इज 180 डिग्री ना. मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, नाउ द सेकेंड के लिए जो ए सी बी वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर. तो ये क्या हो गया? ए सी बी क्या है? हाफ ऑफ ए ओ बी है. ए सी बी क्या है हमारा? सेकेंड के लिए एंगल ऑफ ए सी बी इज इक्वल हाफ ऑफ एंगल ऑफ ए ओ बी. ओके, मतलब हाफ ऑफ कितना? 60. कितना आ गया? 30 डिग्री. एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, ए ओ बी इज 60 डिग्री. नाउ थर्ड वन, मेजर ऑफ आर्क ए बी मालूम करना है. तो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल माइनर आर्क, आधा आर्क है ना ये, तो क्या होता है? ये ए ओ बी के इक्वल होगा. ए बी क्या होगा? इसके सामने है ना, इसके इक्वल आएगा. जैसा लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी. और इसको लिखना है यहाँ पे सेंट्रल एंगल, मतलब मेजर ऑफ आर्क ए बी कितना आया? 60 डिग्री. ये भी आ गया हमारे पास. नो लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ वन, इसे मालूम करना है हम लोग को. आर्क ए सी बी यानी ऊपर वाला, ये बड़ा वाला है मालूम करना. ये कैसा कर सकते हैं हम लोग? मेजर ऑफ सर्कल इज, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 ना. ये छोटा वाला आर्क प्लस बड़ा वाला आर्क इज इक्वल 360. लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल 360 डिग्री. इधर लिखना है मेजर ऑफ सर्कल 360 डिग्री. अब ये प्लस, ये हम लोग को मेजर ऑफ आर्क ए सी बी मालूम करना है इक्वल 360 डिग्री. अब क्या करना है? मेजर ऑफ आर्क ए सी बी ऐसी रखे हैं 360 माइनस 60 कितना आया? 300. हम लोग के चारों की फाइंडिंग आउट हो गई. सेकेंड वन सिमिलर है, सेम है एकदम. ओके, मैं थर्ड वन कराती हूँ आप लोगों को. क्वेश्चन इज एम पी आर एन इज साइक्लिक. आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है. हम लोग को आर और एन दोनों क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ओके, सो व्हाट इज गिवन देयर, राइट इट ओवर. एम पी आर एन, एम पी आर एन इज
साइक्लिक बाय साइक्लिक भी गिवन है हम लोग को बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। क्या करेंगे आर और एन को अगर हम लोग अपोजिट हो जा रहे हैं ना वो, तो क्या करेंगे हम लोग, ये गिवन है सो एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल 180 डिग्री, इधर लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। अभी आर दिया हुआ है हम लोगों को 5x-30 degree प्लस 4x+4 = 180 degree। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे 5x-13+4x+4 = 180। अभी x के पास x को रखेंगे प्लस 4x-13+4 = 180 degree। 9x-+-sin 13 में से 4 गया 9 180 ऐसे ही रहेगा 180 माइनस में इधर आके प्लस हो गया आ गया 189। अब क्या करेंगे 189 ये मल्टीप्लाई आप जाके डिवाइड होगा 9 1 9 9 2 18 9 1 9 एक्स की वैल्यू आ गई 21। अभी एक्स की वैल्यू आई है ना हमारे पास, तो क्या करेंगे एंगल आर हम लोग को दिया था यहाँ पे 5x-13 तो 5 × 21 - 13 5 × 21 × 13 तो 105-13 कितना आता है इसमें हमारा 92 डिग्री। एंगल आर आ गया 92। अब एंगल एन, एंगल एन है 4x-+4 4 × 21 + 4 84 + 4 = 88 आ गया एंगल एन भी 88 डिग्री। हो गई दोनों चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट। जो फोर्थ क्वेश्चन जो है हम लोग का सिमिलर है ऐसे ही है, फिफ्थ क्वेश्चन आ लेती हूँ ना इन योर फिफ्थ क्वेश्चन भी है वन क्वाड्रिलेटरल ओवियो ओके गिवन है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, प्रूव करना है एबीसीडी हम लोग को क्या है साइक्लिक। गिवन है एबीसीडी इज रेक्टेंगल, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक ओके। ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो मतलब इसके सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी इज इक्वल डी इज इक्वल 90 डिग्री एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ओके। मतलब ए प्लस सी को अगर कर रहे हैं हम उसके अपोजिट साइड ले रहे हैं ए प्लस सी इज इक्वल कितना आ रहा है 90 + 90 मतलब 180 डिग्री। तो क्या होता है ए बी सी डी साइक्लिक के बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, इसका मतलब ए बी सी डी इज साइक्लिक। नाउ यू हैव टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक ओके। थैंक यू।